Hello future officers, not every news is relevant for your UPSC preparation. Hi, my name is Rohit Garcha and I'm here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IAS, which has given more than 2200 selections since 1999. This is a 7-minute current affair series called To The Point. Zid se jeet tak. Hi everyone, देखिए हम लोग कई बार ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी और इन जनरल करंट अफेयर्स, इन दोनों में फर्क होता है। नाउ G20 हैज रिसेंटली हैपेंड, तो अभी G20 में अभी सब कुछ क्या हुआ था, इससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो G20 के साइडलाइंस पे क्या हुआ है जो कि न्यूज में इतना ज्यादा कवर्ड नहीं है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। और G20 के ऊपर लास्ट कई सालों से रेगुलरली सवाल आ रहा है G20 के ऊपर, राइट? तो हम अगले साल भी यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि G20 के ऊपर जो सवाल आएगा वो इट विल बी समवट स्टैटिक इन नेचर, राइट? हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज यूपीएससी एस्पायरेंट और मेरा जो आपके साथ काम है, दैट इज कि हम उन टॉपिक्स को कवर करें जो कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स तो है ही, लेकिन यूपीएससी के लिए जो करंट अफेयर्स है वो अलग होते हैं, थोड़ा सा उनका टॉपिक की सिलेक्शन थोड़ी सी अलग रहती है। तो अभी हम चलते हैं आज के टॉपिक पे, विच इज एन इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसका नाम है IMEC, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, है ना, IMEC। तो ये कहां साइन हुआ है? इट इज साइन ऑन दी साइडलाइंस ऑफ द G20 समिट। G20 का पार्ट नहीं है ये, बट साइडलाइंस पे ये हुआ है, साइन हुआ है, राइट? एक MOU साइन हुआ है बिटवीन दीज गवर्नमेंट्स, राइट? तो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं जो कि आपका इंडिया को यूरोप से जोड़ेगा। इंडिया से लेके अरेबियन गल्फ तक के बीच में जो कॉरिडोर है बच्चे, इसको हम कहेंगे अब ये है आपका ईस्ट कॉरिडोर कनेक्टिंग इंडिया टू अरेबियन गल्फ। इसको यही याद कर लो, ज्यादा लिखने लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो कि क्या चीज है ये, ज्यादा कुछ याद करने वाली चीज है नहीं। सेकेंड वन इज कॉल्ड द नॉर्दर्न कॉरिडोर, वेस्टर्न नहीं, नॉर्दर्न कॉरिडोर, कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पे थोड़ा सा घुमाने के प्रोबेबिलिटी है इस चीज के अंदर, है ना, जो कि आपको अरेबियन सी को गल्फ ऑफ अरेबियन गल्फ को आपको कनेक्ट करेगा, वो जाके आपके यूरोप से जितने भी आपकी पार्टिसिपेटिंग यूरोप के अंदर कंट्रीज होंगी उनके साथ में, राइट? चलिए थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं कि ये क्या करने वाला है। आइए बच्चे, पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज कौन सी है? इंडिया, सऊदी अरेबिया, UAE, फ्रांस, जर्मनी, इटली, USA एंड आपका यूरोपियन यूनियन, ठीक है? अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे फ्रांस, जर्मनी, इटली, USA, राइट? ये एक पर्टिकुलर और ग्रुप के मेंबर्स हैं, है ना, वो अभी हम देखेंगे आगे जाके ये क्यों इसमें इंटरेस्टेड है, इनका भी कुछ मोटिव छुपा हुआ है इसके अंदर, इनफैक्ट वो पूरे पर्टिकुलर ग्रुप का छुपा हुआ है इसके अंदर मोटिव। आइए बच्चे देखते हैं, IMEC सीक्स टू बूस्ट ट्रेड, क्लीन एनर्जी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, बेसिकली जो आजकल एक्चुअली मुद्दे हैं उनको ये बूस्ट करने की बात कर रहे हैं, व्हाइल प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिव टू चाइनाज BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट द वन जो रोड जो आपकी लैंड से कनेक्ट होगी, एंड द रोड जो आपकी मैरीटाइम रोड की बात हो रही है, जो सी से रूट आएगा उसको रोड बोला जाता है, राइट? तो उसको काउंटर करने के लिए भी है ये। नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ PGII, पार्टनरशिप फॉर रेल एंड शिपिंग कॉरिडोर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, PGII, एंड फोकसिंग ऑन एनहांसिंग ग्लोबल ट्रेड एंड कॉपरेशन थ्रू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे, मतलब आपके पोर्ट्स, रेलवे, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं जो बेसिकली आपकी मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट ऑफ पर्सनल को फैसिलिटेट करते हैं, ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं बच्चे, राइट? और इसके अराउंड जो भी और चीजें रिक्वायर्ड होंगी, राइट? आइए, कॉरिडोर के तीन कॉम्पोनेंट्स हैं, नंबर वन रेलवे लाइन्स, नंबर टू आपकी इलेक्ट्रिसिटी केबल जिसके अंदर आपका, और साथ में क्लीन हाइड्रोजन पाइपलाइन टू फॉस्टर क्लीन एनर्जी ट्रेड, नंबर थ्री इज हाई स्पीड डेटा केबल्स जो आपकी अंडर सी केबल्स होती है उनको भी साथ में ही इसमें बिछाया जाएगा इस कॉरिडोर के थ्रू, राइट? आगे चलते हैं बच्चे, कॉरिडोर को मैंने आपको बता दिया कि एक ईस्टर्न कॉरिडोर है जो कि इंडिया को अरेबियन गल्फ से जोड़ेगा, दूसरा है आपका नॉर्दर्न कॉरिडोर जो कि आपके अरेबियन गल्फ को यूरोप से जोड़ने वाला है, राइट? आगे चलते हैं, नाउ PGII का एक बार हम की फैक्ट देखते हैं साथ में, जो मैंने आपको बताया था जो कि PGII काउंटर करेगा आपके किसको, BRI को काउंटर करने वाला है। आइए बच्चे, ये हमने फुल फॉर्म देख ली थी, वो इंपॉर्टेंट भी नहीं, इट्स अ कोलैबोरेटिव एफर्ट बाय G7 नेशंस, जो मैं आपको बता रहा था G7 नेशंस, यहाँ पे ये जो ये वाले पार्ट से, हाँ ये G7 के पार्ट है बच्चे, यही मैं आपको हिंट करना चाह रहा था वहां पे, राइट? आइए, G7 नेशंस क्या है ये PGII, इज दैट इट्स इनिशिएटिव एम्ड एट नैरोइंग द इंफ्रास्ट्रक्चर गैप इन द डेवलपिंग कंट्रीज, ये ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसमें, ये बेसिकली BRI को काउंटर करने के लिए G7 का एक इनिशिएटिव है। जो सवाल बनेगा आपके पास में, वो सवाल बच्चे आपका ऐसा बनेगा, PGII विच इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव, है ना, इज एन इनिशिएटिव बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, G20, G7, है ना, इस करके आप इस टाइप के P5+1,
इस टाइप की जो चीजें हैं वो आपके सामने वहां पे ऑप्शन के अंदर आ सकती हैं, क्योंकि G20 ताजा ताजा हो रखा होगा तो आपका एक इंक्लिनेशन रहेगी कि शायद G20 हो सकता है, राइट। पर ये G7 का इनिशिएटिव है, पीछे 2021 में अनाउंस हुआ था ये G7 समिट में, जो कि यूके में हुआ था, और ये $600 बिलियन को जो है मोबिलाइज करने की बात कर रहे हैं 2027 तक फॉर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इंप्रूव्स द लाइव्स एंड डिलीवर्स गेन फॉर ऑल ऑफ द मैनकाइंड, राइट। आइए बच्चे आगे चलते हैं, ये आपके लिए मैं एक बोनस टॉपिक लेके आया था, G7 के ऊपर थोड़ा देख लेते हैं, जिन बच्चों को G7 के बारे में नहीं पता कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है वो देख लेते हैं, राइट। तो नॉर्थ अमेरिका से हमारे पास दो कंट्रीज हैं इसके अंदर, राइट, आपकी यूनाइटेड स्टेट्स एंड कैनेडा। देन यूरोप से आपके पास में चार कंट्रीज हैं, विच इज फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड यूके, राइट, और एक कंट्री आपकी एशियन कंट्री है, दैट इज योर जापान, राइट। तो इस तरीके से आपने याद रखना है, दो वहां से नॉर्थ अमेरिका से, प्लस चार यूरोप से, प्लस एक जो आपकी कंट्री है दैट इज फ्रॉम योर ओन कॉन्टिनेंट, दैट इज एशिया, इक्वल टू 7। तो दिस इज द G7। एडिशनली यूरोपियन यूनियन इसका मेंबर नहीं है, बट इट इज अ नॉन एन्यूमरेटेड मेंबर, राइट। तो वो इसका नॉन एन्यूमरेटेड मेंबर है ना, और ये कैसे है, इट इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द शेयर्ड वैल्यूज ऑफ प्लुरलिज्म, लिबरल डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, राइट। थैंक यू सो मच, दैट इज द टुडेज टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। This 7-minute to the point series is specially designed for your prelims examination. If you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview, please check out Abhimanyu IAS Current Affairs Master Course 2024. It is based on Trishul model. You will be getting three things. Number one, weekly classes. Number two, weekly PDFs of current affairs. Number three, weekly tests on current affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se jeet tak. And if you are ziddi enough, subscribe for regular updates. This tailor-made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.